आज बात करेंगे फ़िश, जो फ़िश लवर्स के लिए है, क्योंकि हम सिसिलियन फूड फेस्टिवल कर रहे हैं प्रेगो में। हम बनाएंगे स्वॉर्डफिश विद फोकासिया। उसके लिए इंग्रेडिएंट्स है सिसिलियाना सैलेड, जो कि बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, केपर्स एंड ग्रीन ऑलिव्स है इसमें। यह है टोमेटो कूली। टोमेटो कूली, रॉ टोमेटोज़ को हम ब्लेंड करते हैं ऑलिव ऑयल और लेमन जूस डाल के। और ये है ऑलिव तपेनाड, जो कि चॉप्ड कालामाटा ऑलिव्स है। कालामाटा नहीं रहेंगे तो हम रेगुलर ब्लैक ऑलिव्स भी यूज़ कर सकते हैं। जो हम यूज़ करेंगे नमक, यह है ब्लैक पेपर, ऑलिव ऑयल। यह है फोकासिया ब्रेड। और फोकासिया ब्रेड बेसिक ब्रेड है इटालियंस का। जैसे नान हम इंडियंस के लिए वेरी कॉमन है, उसी तरह फोकासिया होता है। ये आपको सुपरमार्केट्स में मिल जाती है। जो भी थिक ब्रेड होगा वो हम यूज़ करेंगे। एंड ये है स्वॉर्डफिश। अब स्वॉर्डफिश ये हमने इटली से इंपोर्ट की हुई है। इंडिया में हम सुरमई से यूज़ कर सकते हैं। ये फिले किया हुआ है बिना काटे के, ताकि खाने में आसानी हो। Yeah, the swordfish still fresh. We just take out of the water. It was swimming till 10 minutes back. तो अब हम पहले मैरिनेट करेंगे फिश को ऑलिव ऑयल। कब आप हिंदी में बात करो ना, हिंदी दर्शक है, पता नहीं है क्या। यह नमक और फिर डालेंगे है ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर फ्रेशली ग्राउंडेड काफ़ी अच्छा फ्लेवर देता है। और उसे दोनों तरफ से मिक्स करेंगे। And now we will put on the pan which is already hot. Yeah. Okay, pan हमने already heat किया हुआ है, जिसमें ऑलिव ऑयल डालेंगे और सीयर करेंगे। सीयरिंग होता है जो हम सील करते हैं सारे जूसेस। Now while it's cooking the fish, we're gonna do the insalata Siciliana timbal. Okay. शेफ कह रहा है कि जब तक फिश तैयार हो रहा है, तब तक हम सैलेड का हम तिम्बाल बनाएंगे। तिम्बाल होता है, सेट कर देते हैं हम। ये अभी तिम्बाल रेडी है, जो हम प्लेटिंग के टाइम यूज़ करेंगे। जैसे पहले मैंने कहा, सोल्ड फिश नहीं रहेगा तो हम सुरमई यूज़ कर सकते हैं, या दूसरा कोई भी फिश जो मोटा हो, ज़्यादा फ्लैशी हो। जब तक फिश पक रहा है, हम फोकासिया को स्टफ़ करेंगे ऑलिव तपेनाड से। ऑलिव तपेनाड तो एक बारीक कटा हुआ ऑलिव्स और ऑलिव ऑयल के मिक्स किया गया है। जब तक फिश पक रहा है, तब तक हम शेफ़ बनाएंगे टोमेटो सॉस, कूली रेडी करेंगे। टोमेटो, नींबू, ऑलिव ऑयल, सॉल्ट एंड पेपर। ओके, तो ये फ्रेश टोमेटोज़ को हमने ब्लेंड किया हुआ है ऑलिव ऑयल, नींबू एंड सॉल्ट एंड पेपर, जैसे शेफ़ ने कहा है। उसका प्यूरी बनाया। प्यूरी का अब हम हीट करेंगे। इसको हल्के से टच करके पता चल जाता है कि पका हुआ है कि नहीं। ये ऑलमोस्ट पक चुका है, काफ़ी शानदार दिख रहा है। वेरी गुड। एंड नाउ वी कैन स्टार्ट टू कंपोज द प्लेट। तो अब हम प्लेटिंग शुरुआत करेंगे। प्लेटिंग शुरुआत करने में हम थोड़ी सी जगह बना लेंगे। ओके, वी विल प्लेस फर्स्ट ऑफ ऑल द फोकासिया। पहले फोकासिया प्लेट करेंगे, उसके बाद फिश को हम प्लेस करेंगे ब्रेड के साइड में। ओह या, वी विल प्लेस द फिश ऑन टॉप ऑफ द फिश। वी गोना प्लेस द तिम्बाल। तिम्बाल को हिस्सा उठाना है, क्योंकि अगर हम जग देते या तेज़ी से निकालते हैं वो गिर जाता है। फाइनल टच। फाइनली हम टोमेटो कूली डालेंगे। Now you guys eat a lot of rice, we eat a lot of bread. That's why we use the bread oil. शेफ कहना चाहते हैं कि हम राइस ज़्यादा खाते हैं और इटली में हम लोग ब्रेड ज़्यादा खाते हैं। तो ब्रेड उन लोग सूप में भी डुबा के खाते हैं, हर चीज़ में ब्रेड खाते हैं, तो इसलिए फ़िश के साथ भी उन्हें पसंद है। और ये अब हमारा डिश तैयार है, स्वॉर्डफिश विद इंसलाटा सिसिलियाना और फोकासिया स्टफ विद ऑलिव तपेनाड। और शेफ़, आप कुछ कहना चाहोगे? अच्छा है।